नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भास्कर अपडेट में। इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद पता नहीं क्यों श्रीलंका दौरे में प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ। एस बद्रीनाथ ने कहा कि फिगर पे दो चार टैटू बनवाइए, दो चार फ्रेंड बनाइए, बैड बॉय की इमेज बनाइए, तब आपका सिलेक्शन होगा। हम बात कर रहे हैं ऋतु राज गायकवाड़ के बारे में। ऋतु राज गायकवाड़ अभी लास्ट टाइम जब जिम्बाब्वे गए थे तो जिस भी नंबर पे उनकी मतलब बारी आई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, चाहे ओपनिंग में हो, चाहे वन डाउन हो, चाहे वो सेकंड डाउन हो, जब भी उनको मौका मिला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों इंडियन टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। काफी लोग इसके बारे में मतलब अलग अलग राय दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हम आपको बता दें, ऋतु राज गायकवाड़ और ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ऐसे बहुत नाम है जिनका मतलब कैरियर खतरे में है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद इंडियन टीम में जब तक आपका कोई जुगाड़ ना हो तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल लगता है। जैसे आप मान के ये चलिए कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों को बैठाया गया था, लेकिन श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन ओडीआई टीम में हो गया और ईशान किशन के नाम के बारे में चर्चा भी नहीं हुई। सेम इसी तरह ऋतु राज गायकवाड़, ऋतु राज गायकवाड़ इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए आईपीएल में हो या आप जिम्बाब्वे टीम में हो, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये क्या कह सकते हैं। हमें तो बस ऐसा लगता है कि बहुत गलत हुआ। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, ये गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छे से ढंग से होगा। रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ऋतु राज गायकवाड़, इतने अच्छे डिजर्विंग प्लेयर पता नहीं क्यों बाहर हैं। और ऐसे ऐसे प्लेयर, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे प्लेयर जो डिजर्व नहीं करते वो इंडियन टीम में खेल रहे हैं। हम आपको बता दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम कोई इसके ना बीसीसीआई का कोई मेंबर है ना बीसीसीआई का सचिव है, फिर भी हम इस पे बात कर रहे हैं। और मुझे बहुत मतलब क्रिकेट से प्यार है, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि जो डिजर्विंग प्लेयर है उसको टीम में होना चाहिए था। ऋतु राज गायकवाड़ इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनमें एक टीम को लीड करने की भी क्षमता है। आपने देखा होगा कि आईपीएल में जो था चेन्नई सुपर किंग को लीड कर रहे थे और बाकी